केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान सोमवार को अपने विभाग की 3 साल की उपलब्धियों के बारे में संवाददाताओं को बता रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले साल की तुलना में इस बार खाद्य पदार्थों की कीमत पर नियंत्रण पा लिया है और दालें सस्ती हो गई हैं। उन्होंने दावा किया कि गन्ना किसानों का भी 99% भुगतान हो चुका है। पासवान ने पीडीएस सिस्टम में भी सुधार की बात कही और कहा कि फर्जी राशन कार्ड को कैंसिल किया जाएगा। अभी तक हम खरीदते थे किसान से गेहूं और चावल खरीदते थे, लेकिन पहली बार हुआ है कि जब हम किसान से हमने जो है दाल खरीदना भी शुरू किया और कुछ जगहों पर हम लोगों ने प्याज की भी खरीद क्या कहते हैं किया। पासवान से जब डबल MRP और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े मामले में कार्रवाई न होने की बात कही गई, तो उन्होंने अपने अधिकारियों से 1 महीने के भीतर इसे सुधारने को कहा। गौरतलब है कि बोतल बंद पानी के अलग अलग मूल्य और रेस्टोरेंट्स में खाने के सर्विस चार्ज नहीं लेने को लेकर मंत्रालय ने पहले ही घोषणा कर रखी है, लेकिन उनकी घोषणा पर अमल नहीं हो रहा। 4 चीज हमने कहा था कि इसका एकदम मोटा अक्षर में होना चाहिए, ISI का मार्क मोटा अक्षर में होना चाहिए, डेट ऑफ एक्सपायरी डेट है वो मोटा अक्षर में होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का डेट मोटा अक्षर में होना चाहिए, किससे शिकायत करे ये क्या कहते हैं कि होना चाहिए। पासवान ने ये भी कहा कि सरकार किसानों का ध्यान रख रही है और दालों की खरीद के लिए सरकार ने अपनी तारीख भी बढ़ा दी। गवर्नेंस नाउ के लिए दिल्ली से अमित श्रीवास्तव।